अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इदरीस और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्हील्स ऑफ जापान। ये जो मेरे पीछे आप गाड़ी देख रहे हैं, ये गाड़ी है निसान की डेज। आज इसकी हम इंस्पेक्शन करवाने के लिए आए हैं। तो इसकी इंस्पेक्शन जापान में कैसे होती है और ये गाड़ी चलाने की इजाज़त कैसे मिलती है, इसके बारे में आज हम आपको बताएँगे। आप हमारे साथ रहें और देखते रहें। जापान में इस गाड़ी को येलो कलर की नंबर प्लेट लगाई जाती है, लेकिन ये नंबर प्लेट आरजी नंबर प्लेट होती है। ये जो डीलर होते हैं, जो ज़्यादा गाड़ियों का काम करते हैं, उनको मिलती है। तो ये मैंने भी ली हुई है क्योंकि गाड़ियों का काम ज़्यादा है, तो इस वजह से इसको इस्तेमाल रोड के ऊपर आप इस कोई किसी भी नंबर प्लेट के बगैर आप गाड़ी नहीं चला सकते। और ये गाड़ी जो है इस गाड़ी को ये नंबर लगाया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको रोड पर चला रहा हूँ। तो जब इसको अपनी नंबर प्लेट लग जाएगी तो इसकी नंबर प्लेट ये वाली उतार ले जाएगी। तो सब कुछ आपको बताता हूँ। यहाँ पे सारा इसका पेपर वर्क होगा। पेपर वर्क के बाद ये मुझे अंदर जाने का टाइम देंगे, उसका मुझे बताएंगे कि आपने इतने बजे वहाँ पे अंदर जाना है। तो वहाँ फिर मैं अंदर जाऊँगा, वहाँ पर फिर जाके बाकी ये जो चीज़ें हैं ना वो दिखी जाएंगी। ये दोस्तों तकरीबन मेरे आगे जो हैं वो तकरीबन 10-12 गाड़ियाँ, 10-12 गाड़ियों के बाद मेरा नंबर आएगा। तो इसके अंदर जाते हैं तो फिर आपको आगे जाके दिखाता हूँ। आप देखें कैसे यहाँ पर गाड़ी की इंस्पेक्शन की जाती है। इंतज़ार में बैठा हूँ कब आगे बारी आएगी। तो बेसिकली यहाँ पर जो चेक किया जाता है वो लाइटें चेक की जाती हैं और गाड़ी की ब्रेक्स जो है ना वो चेक की जाती हैं। तो मेन पर्पज़ जो इनका यही होता है कि लाइट्स और ब्रेक्स ये गाड़ी की बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद ये पास करते हैं। पास होने के बाद फिर इसका नंबर मिलता है। तो नंबर के बाद जो है ना फिर आप गाड़ी इसको रोड पे आम तरीके से जो है ना आप रोड पे इसको चला सकते हैं। और ये दो अलग अलग होते हैं लेकिन, क्योंकि ये जिसको जहाँ पर गाड़ी की इंस्पेक्शन होती है जापान में, इसको रिकिन क्यू कहते हैं। और ये दो जगह है अलग अलग। जो 660 सीसी गाड़ी है और उससे कम गाड़ी है वो यहाँ पे होती है, और जो गाड़ियाँ 660 सीसी से ऊपर हैं उनके लिए एक अलग जगह है। वो बेशक ट्रक हो, वो बेशक बड़ी गाड़ी हो, यानी 660 सीसी से ऊपर जो गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पे इंस्पेक्ट की जाती हैं। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन जो है वो सिर्फ ये 660 सीसी गाड़ियाँ ये या फिर जो उससे कम गाड़ियाँ उनकी इंस्पेक्शन होती है। तो चले आगे चलते हैं तो फिर मज़ीद आपको दिखाता हूँ। पहले ये मैनुअल तरीके से ये खुद गाड़ी के इशारे, लाइट्स, ये सब कुछ यहाँ पे चेक कर रहा है कि हर चीज़ ठीक चल रही है। तो उसके बाद जो है ना वो फिर हमें अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। ये वाइपर भी चेक किए हैं इसने, तो बैक लाइट्स जो हैं वो सब कुछ चेक करने के बाद फिर इंजन चेक करेगा, फिर ये सब कुछ चेक करने के बाद फिर हमें जो है ना वो अंदर भेजा जाएगा। ये जी गाड़ी की लाइटें और सारे इसके विंकर वगैरह सब कुछ चेक करके अभी इसने मुझे ये कार्ड दे दिया। तो अभी मैं इसके अंदर जाऊंगा और यहाँ पे गाड़ी की लाइटें और ब्रेक्स वगैरह जो हैं वो मशीन पे चेक होगी, तो फिर ये गाड़ी पास होगी। चले अब अंदर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो अब मैं ये अंदर आ गया हूँ, आपको थोड़ी देर। तो जी दोस्तों, यहाँ से मैं बाहर निकला हूँ। अंदर उन्होंने वीडियो बनाने से मना कर दिया था, तो अब मैं अंदर से वो ब्रेक वगैरह इसकी चेक करवा के बाहर आ गया हूँ। तो आगे नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। ये जी मैंने यहाँ से मशीन में से नंबर निकाला है, अब ये मुझे बुलाएंगे तो फिर मैं इनको पेपर जमा करवाऊंगा। तो जी दोस्तों, ये मुझे नंबर भी मिल गया इसका और पेपर भी मिल गया है, और ये स्टिकर होता है इसका। ये स्टिकर पे लिखा हुआ है रोकुनेन नीगत्स नीजू नाना नीची। ये छठे साल के दूसरे महीने की 27 तारीख तक इसको शाकन लग गए हैं। तो इसकी इंस्पेक्शन जो है वो हो गई है। तो
नेक्स्ट जो है अब इसको नंबर प्लेटें लगाएंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे। तो जी दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं अगर कोई गाड़ी देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो देखने का बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।